बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल एंड डायलेक्टिकल व्यू ऑफ हेगल एंड मार्क्स अबाउट सोसाइटी। ठीक है, लास्ट हमारा जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी पढ़ा। ठीक है, कि डायलेक्टिकल व्यू एक्चुअली होता क्या है। फिर उसके बाद हमने सोसाइटी के हिसाब से, लिहाज से जो वेबर के व्यूज़ थे वो हमने पढ़े। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेगल एंड मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू को अबाउट सोसाइटी। जो इनके डायलेक्टिकल व्यूज़ हैं सोसाइटी से लेके, उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, हेगल जो है ये आइडियलिस्टिक बंदा है, ये आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है। ठीक है, और जो मार्क्सिज्म है ये मटीरियलिस्टिक है, ये मटीरियल जो थिंग्स हैं उन पे बिलीव रखता है। अब हेगल कहता है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हेगल क्या कहता है। हेगल कहता है जो जितना भी सोसाइटी में चेंज आया है, ठीक है, वो किसकी वजह से आया है? थॉट्स की वजह से, आइडियाज़ की वजह से। आइडियाज़ ही सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं। जब आपके अंदर शाउट पैदा हो जाता है तभी सोसाइटी में चेंज आता है। जब आपके जो थॉट्स हैं वो इन्हेंस होती हैं तभी सोसाइटी में चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे मार्क्सिज्म जो है ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ कहता है कि मैं आपका जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मार्क्सिज्म ने जो डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी है ये कहाँ से बोरो किया है? हेगल से। इस वजह से इसको फुली डिनाई नहीं करता। ये कहता है कि आप ठीक कहते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वही सोसाइटी को चेंज करती है, लेकिन आइडियाज़ जो है ना वो किस चीज़ से जनरेट होते हैं? मैटर से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। जब आप किसी मैटर को देखते हैं तभी तो आपके अंदर आइडियाज़ जनरेट होते हैं, तभी आपके माइंड जो है वो किसी आइडिया को जो है वो अपने अंदर क्रिएट कर सकता है। मैटर के बगैर तो आइडियाज़ जनरेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं। तो मॉडर्न एज एज ऑफ रीज़न कहलाती है, और एज ऑफ रीज़न में प्रूफ चाहिए होता है, और प्रूफ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही दिया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से नहीं प्रूफ दिया जा सकता। जो चीज़ सामने है वही प्रूफ होता है, जिसको आप देख सकें, जो महसूस कर सकें वो प्रूफ नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देती। अब हेगल एक साइकिल जो है वो क्रिएट करता है अपने डायलेक्टिकल व्यू का, जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उसमें बताता है। सबसे पहले इंसान के पास थीसिस होती है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, थीसिस को कहते हैं आइडिया नंबर वन। ठीक है, अब थीसिस के बाद, थीसिस यानी कि एक आइडिया आ गया एक इंसान के पास। अब वो इंसान अपना आइडिया दूसरे इंसान के पास जब लेके जाता है तो वो इंसान, उसके पास अपना आइडिया है एक चीज़ को लेके। एक कहता है खुदा है, एक कहता है कि नहीं, नहिलिस्टिक हूँ मैं, एथिस्ट हूँ, तो खुदा पे बिलीव नहीं रखता है, तो दिखाओ मुझे, प्रूफ करो। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, और पहला आइडिया नंबर वन और दूसरे बंदे के पास आइडिया नंबर टू, यानी कि एंटीथीसिस, जो कि फर्स्ट आइडिया के खिलाफ होता है। एंटीथीसिस और थीसिस, इन दोनों के दरमियान बहस चलती है। बहस चलने के बाद एक को जीतना होता है, एक को हारना होता है। जो बंदा जीत जाता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसको बोलते हैं सिंथेसिस, वो आइडिया नंबर थ्री होता है। ठीक है, सिंथेसिस आइडिया नंबर थ्री। अब उस सिंथेसिस से क्या है, वो भी एक आइडिया है, वो भी कोई प्रूफ नहीं है, वो भी उन दोनों में बहस हुई, एक बंदा जीत गया। अब जो जीता है उसने अपना आइडिया एक थर्ड पर्सन से डिस्कस किया है, तो वो भी उसमें डाउट क्रिटिसाइज को कर सकता है, उसमें भी डाउट्स हो सकते हैं। अब वो जब क्रिटिसाइज करेगा तो फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगा, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस। अब यहाँ पे हेगल से पूछा गया कि आपके जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये मैं आपको निचोड़ समझा रही हूँ, समराइज करके जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसको स्टोरी बना के बता रही हूँ। अब जब हेगल से पूछा गया कि आपके जो आइडियाज़ का ये साइकिल ही कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है, उसका आंसर था, उसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, वो कहता है
वो एक रिलीजिस्टिक बंदा था, वो रिलीजन पे बिलीफ रखता था, ठीक है, रिलीजियस पर्सन था। अब क्या हुआ, अब वो कहता है कि मेरे जो आइडियाज़ हैं वो गॉड से ही लिए होते हैं मैंने, ठीक है। इंसान जो आइडियाज़ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि इंसान आइडियाज़ गॉड से ही लेता है और उसके आइडियाज़ गॉड पे ही ख़त्म होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट भी गॉड है, ऑब्जेक्ट भी गॉड, उसके आइडियाज़ गॉड से ही लिए जाते हैं। खुदा हमारे दिमाग में एक आइडिया इल्हाम डालता है, जैसे कि वही वाला एक सिस्टम होता है ना जो पैगंबरों के साथ होती है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे वही वाला मैं मिसाल दे रही हूँ आपको, ये आपने नहीं लेना। ये कहा जाता है कि इंसान के जहन में जो आइडियाज़ होते हैं वो अल्लाह डालता है, और वो एंड कहाँ पे होते हैं, आपके पास बेशक प्रूफ ना हो लेकिन उसका गवाह अल्लाह होता है, और एंड भी वो अल्लाह पे ही जाके होता है, गॉड से स्टार्ट होकर गॉड पे ही एंड होते हैं। तो ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी थी हेगल की, इसको सब ने मानने से इनकार कर दिया। बहुत कम लोग हैं जो इस आइडिया पे, इसकी डायलेक्टिकल व्यू पे बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी है वो आइडिया से चलती है, जबकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मार्क्सिज्म पे बिलीव रखते हैं। अब मार्क्सिज्म का आइडिया हम देख लेते हैं, डायलेक्टिकल व्यू देख लेते हैं कि सोसाइटी में चेंज किस तरह आता है। अब इसने बोरो किया है वही आइडिया हेगल से, लेकिन इसने उसमें चेंज कर दिया अपने इंटेलेक्चुअल लेवल्स को यूज़ करते हुए। इसने कहा है कि सबसे पहले क्या होता है, थीसिस होता है, और वो थीसिस क्या है, वो है मैटर नंबर वन, ठीक है। अब एक बंदे के पास एक मैटर है, एक चीज़ है जिसको वो कहता है कि कॉपर से बनी है, एलुमिनियम से बनी है। अब दूसरे बंदे को वो जाके दिखाता है कि ये चीज़ कॉपर से बनी है या एलुमिनियम से बनी है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है कहते हैं नहीं, कॉपर से नहीं बनी, एलुमिनियम से नहीं बनी, ये किसी और, ये मैग्नीशियम से बनी है, ठीक है। वो टोटली उसको अपोज करता है, ठीक है। अब दोनों के दरमियान थीसिस और एंटी थीसिस, यानी कि मैटर नंबर वन मैटर नंबर टू, इन दोनों के दरमियान बहस स्टार्ट हो जाती है, और उनमें से फिर एक बंदा जीतता है जो कि सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। सिंथेसिस यानी कि मैटर नंबर थ्री, फिर भी मैटर जीतता है और पता चलता है कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ से बनी है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बनी है या किसी और चीज़ से बनी है, ठीक है। तो एक बंदा जीत गया यानी कि सिंथेसिस हो गया। फिर वही बंदा किसी और, अब वो बंदा जो है ना किसी और के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसको अगर बंदा कोई मनवाएगा तो वो विद प्रूफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने व्यूज़ देगा और अगला बंदा मान जाए तो इट्स मीन कि चलो ठीक है, विदाउट प्रूफ वो मान गया, बहस ख़त्म हो गई और जीत गया। लेकिन जब वो थर्ड पर्सन किसी और पर्सन के पास जाके कहेगा कि मैं जीता हूँ, ये जो चीज़ है ये मैग्नीशियम से बनी है, तो शायद अगला बंदा उसको रिजेक्ट कर दे और अपनी कोई नई चीज़ शुरू कर दे, अपना कोई नया मैटर उसको दिखा दे कि नहीं ये इससे नहीं बनी, ये इस चीज़ से बनी है, ठीक है। तो फिर से क्या हो गया, वही सर्कल स्टार्ट हो गया, सर्कल वही है लेकिन आइडिया और मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं ये इन दोनों में डिफरेंस। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन इनका पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी थिंग्स सीम टू बी प्रोग्रेसिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब वेस्टर्न वर्ल्ड में चेंजिंग तो पहले ही आ रही थी, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी तो वो पहले ही थी, कॉलोनाइजर्स तो वो पहले ही थे, उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज किया हुआ था। लेकिन 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ के मॉडर्निज्म, रॉन्ग और राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गया था, लोगों को पता चलने लग गया था कि कौन सी चीज़ गलत है कौन सी दुरुस्त है, रॉन्ग और राइट का कॉन्सेप्ट आ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मॉडर्निज्म की तरफ लोग जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गए थे। अब वर्ल्ड का एक जो दुनिया थी वो डिफरेंट प्लेस बन चुकी थी, इसमें टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। अब दुनिया जो इंसान का लाइफस्टाइल था वो टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका था। अब एज ऑफ रीज़न आ चुकी थी, एज ऑफ साइंस आ चुकी थी, ठीक है। अब लोग साइंटिफिक चीज़ों पर बिलीव रखते थे, जिसके बिहाइंड को रीज़न, कोई लॉजिक होता था उस पर बिलीव रखते थे।
अब वो ट्रेडिशंस, ठीक है, जो पहले उनके ग्रैंड पेरेंट्स फॉलो करते थे, अब अगर उनको वो सही लगती हैं विद प्रूफ तो वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी थी, अब लोगों का मकसद सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, अब लोगों का मकसद, लोगों को परेशानी होने लगी थी कि जो काम हम जिस जिन चीज़ों में हम फ्री रहते हैं, जो हमारे पास वक्त लेयर टाइम होता है, फ्री वक्त, तो उसमें हम क्या करें। क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आई थी, ठीक है, तब वर्किंग क्लास और अपर क्लास बट गई थी एक दूसरे में, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आ चुका था। अब टेक्नोलॉजी आ गई थी, अब कैपिटलिस्ट बढ़ चुका था, कैपिटलिज्म बढ़ गया था। किस तरह? वर्किंग क्लास को हटा दिया गया था, उनकी रिप्लेस पे मशीनरी आ गई थी, अब मशीन काम करती थी और बाकी लोग फ्री बैठ, जो उनके ऑनर्स थे वो भी फ्री बैठते थे। अब उनको ये टेंशन होने लग गई थी कि जो हमारा फ्री वक्त है उसमें हम क्या करें, यानी कि लोग मॉडर्न सोसाइटी के इस तरह सोचते थे कि जो हमारा लेयर वक्त है, लेयर टाइम है, उसमें अब हम क्या करें। इतनी डिवेलपमेंट आ चुकी थी। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, ये बताते हैं कि जो भी ये किसका आइडिया मैं बताने लगी हूँ, ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें बताते हैं कि जो डेवलपमेंट आई है ना, इसकी वजह हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है। अगर किसी के पास हिस्ट्री नहीं होगी, उसको जानेगा नहीं, तो उसको उसके माइंड में आइडियाज़ कैसे जनरेट होंगे। हिस्ट्री एक मैटर हो गया और आइडियाज़ क्या हो गए, वो जो उसको देख के जनरेट होते हैं। ये भी यहाँ पे मार्क्सिज्म आ गया, कार्ल मार्क्स का व्यू आ गया कि एक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी ही डेवलपमेंट का बायस बनती है। अगर आपके पास ट्रेडिशन है, उनमें सही गलत की सोच जब आती है, तो इट्स मीन कि आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कल्चर ऑप्टिमिस्ट वॉज कार्ल मार्क्स। मार्क्स इनहेरिटेड अ व्यू ऑफ हिस्ट्री, मैंने आपको पहले ही बताया है, हिस्ट्री का व्यू जो है वो इसने किधर से लिया है, डायलेक्टिकल व्यू उसने किधर से लिया है, ये फ्रेडरिक हेगल से लिया है। हेगल जो था वो सोचता था कि ऑल ऑफ हिस्ट्री वॉज फॉलोइंग प्री डिटरमाइंड पैथ लीड टू फाइनल परफेक्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। जो आपकी हिस्ट्री है ह्यूमैनिटी की, वही आपकी वजह बनती है आपकी परफेक्ट फ्रीडम की। क्योंकि जब आप हिस्ट्री में देखेंगे, उसके जो है उसको डीपली स्टडी करेंगे, जब आप हिस्ट्री को जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा हिस्ट्री में कौन कौन सी आपकी मुश्किलात आई हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने उसको, उससे किस तरह लड़ा गया है, उनको किस तरह फेस किया गया है, ठीक है, उनके सोल्यूशंस क्या क्या थे, तब आप में आइडियाज़ जनरेट होंगे, डेवलपमेंट आपकी सोसाइटी में आएगी, आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट की वजह आपकी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री है। अब हेगेलियन डायलेक्टिकल व्यू पढ़ते हैं। हेगेलियन जो है एक फिलॉसफर है, ठीक है, एक हेगल फिलॉसफर है। हेगल का व्यू जो है वो हेगेलियन डायलेक्टिक कहलाता है। ये कहलाता है कि द यूनिवर्स इवॉल्व थ्रू अ साइकिल ऑफ डायलेक्टिक प्रोसेस। एक दुनिया जो है वो चेंजेस के साइकिल के गिर्द घूमती है, उसमें मुख्तलिफ तरह की चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम आती रहती है। दुनिया कॉन्स्टेंट नहीं होती, उनमें आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते रहते हैं। द पैथ वॉज डिटरमाइंड बाई अ प्रोसेस द कॉल्ड द डायलैक्टिक। वो रास्ता, वो पैथ जिस जो डिटरमाइंड हो, ठीक है, जिसमें एक प्रोसेस हो, जिसमें चेंजेस आती हों विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी के अंदर, वो डायलैक्टिक कहलाता है। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर हो गई हेगेलियन की। ऐसा प्रोसेस हमारी जो दुनिया है ना, सोसाइटी है, वो एक सर्कल में घूमती है, ठीक है, एक उसका साइकिल है जिसमें वो घूमती है, और उस साइकिल में चेंजेस आती रहती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और वो साइकिल, वो चेंजेस ही क्या वो क्या कहलाती हैं, वो डायलैक्टिकल व्यू, हेगेलियन डायलैक्टिक कहलाती हैं। इन ईच एरा द रिजाइनिंग स्टेट ऑफ वर्ल्ड वुड क्रिएट अ फंडामेंटल ऑपोजिशन। अच्छा, अब कहते हैं कि हर एरा में कोई ऑपोजिट क्रिएट हो ही जाता है। हर एरा में जो पिछले एक फॉर एग्जांपल 19th सेंचुरी का बंदा है, 20th सेंचुरी के बंदे से बात करें, तो इन दोनों के जनरेशन की जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। वो किसी और तरीके से सोचेगा,
आप किसी और तरीके से सोचेंगे। किस तरह, अगर आप पेरेंट्स की बात ले लें फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स किसी और तरीके से, वो अपने सेंस से समझा रहे होते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, लेकिन आप उनको अपोज करते हैं क्योंकि आप किसी और एज से बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसी तरह वो कह रहा है कि हर एरा में अपोजिशन क्रिएट हो ही जाती है। फॉर हेगल दिस डायलैक्टिक वॉज द माइंड ऑफ गॉड कमिंग टू अंडरस्टैंड इट। वो कहते हैं कि ये अपोजिशन तब ही ख़त्म हो सकती है जब गॉड यहाँ पे खुद आए और लोगों को समझाए, तब ये अपोजिशन ख़त्म हो सकती है, तभी आपके आइडियाज जनरेशन टू जनरेशन जो डिवेलप होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, अपोज होते जा रहे हैं, वो तभी किसी नतीजे पे पहुँचेंगे जब गॉड खुद आके आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज़ दुरुस्त है, ये चीज़ गलत है। मॉडर्न सोसाइटी भी यहाँ पे दिखा रही है, रॉन्ग और राइट का कॉन्सेप्ट भी कौन दे रहा है, हेगेलियन, और क्या कहते हैं, गॉड आके देगा। यहाँ पे दिखाया गया कि वो बिलीवर थे, फिर वो कहते हैं कि उनके लिए, जो हेगेलियन के लिए गॉड जो है वो सब्जेक्ट हैं, ऐसी चीज़ जिसके बारे में सोचा जाए, और उन्हीं के लिए गॉड जो हैं वो एक ऑब्जेक्ट भी हैं, ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है, जिसको यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों गॉड ही हैं, ऐसी चीज़ें जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं वो उनके लिए सिर्फ क्या है, गॉड। गॉड से आइडियाज जनरेट होते हैं और गॉड पे ही आइडियाज ख़त्म हो जाते हैं, हेगेलियन का ये व्यू है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि हाँ, मैंने आपको बता दिया कि गॉड उनके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थे। यहाँ पे एक वो एग्जांपल देते हैं, बड़ी मज़े की एग्जांपल देते हैं, वो कहते हैं कि हर एज में आपका अपोजिशन कोई पार्टनर जो है वो आ जाता है, जो अपोजिट होता है आपका। फिर वो कहते हैं यहाँ पे, अगर यू कैन नॉट हैव अ मास्टर, अगर आपके पास कोई मालिक नहीं है, आका नहीं है, इट्स मीन कि आपको स्लेवरी का पता ही नहीं, ठीक है, और अगर कोई मास्टर, किसी मास्टर के पास स्लेव नहीं है, इट्स मीन कि उसके मास्टर ही का नहीं पता, ठीक है, उसको पता ही नहीं मास्टर होता क्या है। अगर उसके पास मास्टर होगा तभी तो स्लेव और मास्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, अगर मास्टर मास्टर होंगे तो किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अगर मास्टर और अगर कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, अपर क्लास और लोअर क्लास होगी तभी तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर वहाँ पे कहता है, ईच वांटिंग टू बी फ्री ऑफ द अदर थिंग दैट एग्जिस्ट इन एंड ऑफ इटसेल्फ। ये दोनों जो है ना, मास्टर स्लेव या कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट, ये दोनों आपस से फ्रीडम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए और इन्हीं की जो इनकी जो राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए, ठीक है। कैपिटलिज्म का क्या लगता है कि हम ज़्यादा काम करते हैं, हमारी वजह से मशीनरी आई है, तो इट्स मीन हमारे राइट्स हैं, हमें मिलने चाहिए। कम्युनिस्ट को क्या लगता है, कम्युनिज्म ये कहती है कि हम काम करते हैं, हमारी वजह से आपकी सोसाइटी चलती है, वर्किंग क्लास की वजह से अपर क्लास चलती है, इट्स मीन कि हमें राइट्स देने चाहिए, आप इक्वली होना चाहिए सारा कुछ। लेकिन कैपिटलिज्म कहती है हम ज़्यादा काम करते हैं तो इस वजह से हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान क्लैशेस चाहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे ये चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से फ्री हो जाएं, ठीक है, और अपने मदार के गिर्द गर्दिश करें। इस वजह से वो अपने व्यूज़ जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है, वो उनको ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, ट्रांसफर इसलिए करते हैं ताकि चेंज आता रहे, और जो सोसाइटी में चेंज आता है वही डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी कहलाता है। और किसके थ्रू आता है, इसलिए वो आइडियाज़ अपना जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि उनकी आइडियाज़ और स्ट्रॉन्ग हों, और आइडियाज़ के थ्रू ही जो चेंज आता है वो हेगेलियन डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, जो क्लास की स्ट्रगल के बारे में करते हैं, और इनके डायलैक्टिकल व्यू भी पढ़ते हैं। मार्क्स कैप्ट दिस पिक्चर ऑफ रियलिटी एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस वर्किंग इटसेल्फ आउट, बट इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग बीइंग एन इमटीरियल मोड ऑफ गॉड कॉन्सिक्वेंस एज हेगल थॉट, मार्क्स क्लेम दैट यूनिवर्स वॉज मेड ऑफ मटीरियल थिंग रेदर दैन एब्स्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ बींग। मैंने वही बात बताई, ये मटेरियलिस्टिक बंदे हैं, ये मटेरियलिज्म पे बिलीव करते हैं, और इन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ चेंज आता है सोसाइटी में ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आता है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स से आता है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ माइंड से आता है।
मार्क्स सजेस्ट करते हैं डेट डायलेक्टिकल प्रोसेस ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिकल डिवेलपमेंट वॉज अ रिजल्ट ऑफ क्लास ऑन क्लास स्ट्रगल. किस तरह ये कहते हैं आपकी क्लास किस तरह स्ट्रगल करती है, किस बेस पे, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे. इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसे आप हासिल कर सकते हैं, जब आप किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होते हैं ना, तभी आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं. अगर आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं है तो आप गौर फिक्र ही नहीं करते, तो आप किससे ना उस वो चीज़ हासिल कर सकते हैं. तो अगर आप क्लास स्ट्रगल में हैं, अगर आप पावर और डोमिनेशन चाहते हैं, तो आपको उसके बारे में कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस उसमें आनी चाहिए, तभी क्या होगा, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिवेलप होगा. क्योंकि इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में पावर डोमिनेशन दोनों आ जाती है, और पावर और डोमिनेशन से ही क्या होता है, सोसाइटी में चेंज आता है. और वो चेंज किस वजह से आता है, मटीरियलिज्म की वजह से. पावर और मटीरियलिज्म चीज़ें ही नहीं है सिर्फ, मैटर पता है इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आपके बिलीव्स आ जाते हैं, इसमें आपके जो सराउंडिंग की चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, इसमें पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिकल सिस्टम, रिलीजन, हर चीज़ इसमें आ जाती है. ठीक है, अब क्या बात करते हैं, ईच न्यू सोशियो इकोनॉमिक स्टेज वुड प्रोवाइड बोथ द एडवांसमेंट इन ह्यूमन लाइफ एज वेल एज द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन. अब वो कहता है कि जितनी भी सोसाइटी में इकोनॉमिकल स्टेजेस आती हैं वो आपको एडवांसमेंट ही ह्यूमन लाइफ को एडवांस कर देती हैं. ठीक है, उसके साथ साथ वो उनकी तबाही का बीज भी बो देती हैं. जब आप एडवांसमेंट की तरफ जाते हो, आप में क्या होता है, लालच पैदा हो जाता है, आप मोर एंड मोर वाला जो कंसेप्ट है आप में क्रिएट हो जाता है. ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, क्योंकि आप रिश्तों को भूल जाते हैं, आप हर चीज़ को भूल जाते हैं, सिर्फ आप अपने काम पे फोकस करते हैं. इट्स मीन कि आप ना वाकिफ हो रहे हैं बाकी दुनिया से, सिर्फ आपने अपनी दुनिया क्रिएट कर ली अलग सी, और वही डिस्ट्रक्शन का सीड है जो मॉडर्निज्म एडवांसमेंट आप में बो देती है. ठीक है, अब वो बीज डायलेक्टिकल चेंज है जो सोसाइटी में आ रहा है, हर कोई एलिनेशन का शिकार हो रहा है. ठीक है, सोसाइटी में चेंज ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए, नेगेटिव वेज में भी हो रहा है. मॉडर्न मैन, हर मैन अपनी दुनिया क्रिएट करके बैठा हुआ है. मॉडर्न पर्सन जो है वो एलिनेशन का शिकार है. मॉडर्न जो पर्सन है उसमें गैप ऑफ कम्युनिकेशन पाया जाता है, रिलेशनशिप गैप पाया जाता है. मदर डॉटर, फादर एंड सन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हर घर में ये चेंज आया हुआ है. किसकी वजह से, एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से. हर किसी के पास मोबाइल है, और जिसकी वजह से वो अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे. सही है, ये इस पर बात करता है. द रेवोल्यूशन डैट वुड डिस्ट्रॉय द स्टेट ऑफ सोशियो इकोनॉमी बींग वॉज नेसेसरी टू अलाउ ह्यूमैनिटी टू एडवांस टू नेक्स्ट स्टेज. उसको वही बात कि जो सोशियो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं ना, इकोनॉमिक लेवल है, वो उसको इंसान फोर्स करता है कि इससे नेक्स्ट लेवल पे जाओ, इससे नेक्स्ट लेवल पे जाओ, जिससे आप ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो रही, सोसाइटी में नफरत के बीच जेलसी क्रिएट हो गई. जेलसी का फैक्टर मॉडर्न मैन में पाया जा रहा है. हर लोग कह रहा है कि, लोग कहते हैं कि उसके पास क्यों, मेरे पास होना चाहिए. यही जद्दोजहद जो है ना, ये इंसानियत को ख़त्म कर दी जा रही. अब इसका स्लेवरी से कैपिटलिज्म की तरफ आने का पढ़ते हैं. जो इसका कॉन्सेप्ट है, फॉर मार्क्स स्लेवरी फॉर एग्जांपल वाज अ नेसेसरी इवल. स्लेवरी जो है ना, एक बंदा है वो सोचता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने इनकी गुलामी की है, इट्स मीन कि मुझे भी इनका गुलाम बन के रहना है. तो कहते हैं जो स्लेवरी है वो आपकी बर्बादी है, एक किस्म की इवलनेस है, क्रिएट हो जाती है जो मॉस्ट्रे में आपकी प्रोग्रेस के अंदर, जो आपको प्रोग्रेस होने से आपकी सोसाइटी में रोकती है. इट वॉज बाई ओनिंग स्लेव डैट पीपल बिगन टू क्रिएट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रू कल्चर. बट वाइल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी वॉज नेसेसरी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी स्लेव वुड रिवोल्ट. अगर वो ही गुलाम अपनी गुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे कि हमें भी फ्री किया जाए, तो रेवोल्यूशन आ सकती है सोसाइटी में. उनकी फ्रीडम जो एंड ह्यूमैनिटी हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम देम, तब उनकी जो ह्यूमन, और क्योंकि वो
जब स्लेव एक बंदा बन जाता है ना, इट्स मीन कि ह्यूमैनिटी के दायरे से निकल चुका है, कोई इसको ह्यूमन बीइंग समझ के काम नहीं करवाएगा। कैपिटलिज्म सोसाइटी कम्युनिस्ट को, कैपिटलिज्म सोसाइटी स्लेवरी सोसाइटी को कभी भी इंसान समझ के ट्रीट नहीं करेगी, वो उनको लाइक डॉग्स समझ के, और उनके सामने बॉन्ड्स जो खाया पिया बच जाता है ना, वो खाना उनको दिया जाता है जैसे हम एनिमल्स के साथ ट्रीट करते हैं। द टेंशन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव वुड लीड टू रेवोल्यूशन वुड डिस्ट्रॉय द इंटायर सोशल सिस्टम एंड लीव अ न्यू वन इन अ प्लेस फ्यूडलिज्म इन विच पीपल वर नॉट ऑन्ड बाय अदर एटलीस्ट नॉट डायरेक्टली। अब वो कहते हैं अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाओगे ना, मास्टरी के खिलाफ, स्लेवरी, अगर वो जो स्लेव्स हैं वो आवाज़ उठाएं, तो क्या हो सकता है, पूरे सिस्टम में रेवोल्यूशन आ सकती है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि आपको ऑन करने से हर कोई रुक जाएगा, आपको कोई ख़रीद नहीं सकेगा, आप पे कोई डायरेक्टली हुकूमत नहीं कर सकेगा, जैसे ग़ुलाम ख़रीदते हैं ना लोग, अब वैसे कुछ भी नहीं होगा अगर आप स्लेवरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। ग़ुलाम बेचे जाते हैं अभी भी अरब के जो मुल्क हैं उसमें ग़ुलाम बेचे जाते हैं, हबशी बेचे जाते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम वैसे देख लें चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चे काम करते हैं, अगर माँ बाप या बच्चे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं कि हम क्यों काम करें, हमें पढ़ना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए, तो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। जो उनके पेरेंट्स के माइंड बने हुए हैं, अगर पेरेंट्स काम करते हैं लोगों के घरों में, ठीक है, तो अगर तो वो सही ट्रीट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि ये काम है, बहुत मसाइल होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है घरों में काम करना स्टार्ट करते हैं, जॉब होती है, ठीक है, उनके साथ अगर उनको इनह्यूमनाइज्ड किया जाए, डिह्यूमनाइज्ड किया जाए, इट्स मीन उनको उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, स्लेवरी के, गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि नौकरी के खिलाफ, ठीक है। जॉब करना एक और चीज़ है, स्लेवरी एक और चीज़ है। फिर उसके बाद वो बताता है कि दिस वर्कर्स वर एटलीस्ट नॉमिनली फ्री, तब इनको नॉमिनेट की नहीं किया जा सकता कि ये मेरा गुलाम है, वो फ्री हो जाएंगे इस चीज़ से, बिकॉज द लॉर्ड कुड नॉट डिक्टेट देयर एवरी एक्शन बट दे डिड कंट्रोल द लैंड एंड प्रोड्यूस द फूड दे वॉज नीडेड फॉर सर्वाइवल। उनको डायरेक्टली तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हाँ, कॉलोनाइजर्स का ये काम है कि अब वो उनकी ज़मीनें हथाएँ, ठीक है, हथियाएँ, ताकि वो फूड सर्वाइवल के लिए वहाँ पे उनकी लैंड्स पे काम कर सकें, फूड्स वगैरह का इंतज़ाम कर सकें। इवेंचुअली देयर वॉज अ पीजेंट रिवोल्ट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आप ये स्लेवरी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ गई, अब यहाँ पे पीजेंट्स के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठनी चाहिए, पीजेंट्स को अपने खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, ताकि उनके जो किसानों के जो सारी कमाई खजानों के किसानों की रख ली जाती है, वो भी एक स्लेवरी ही है, ठीक है, वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो कहते हैं इनके खिलाफ़ भी रिवोल्ट करनी चाहिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ, इन विच इट वॉज नॉट लैंड ऑनर वुड कंट्रोल द सोसाइटी बट द फैक्ट्री ऑनर हु कंट्रोल द मीन ऑफ प्रोडक्शन। जो उसका ऑनर है, जो उसका फैक्ट्री, जिसकी ज़मीन है, ठीक है, वो जो है वो उसका मालिक हो सकता है, उसके मीन ऑफ प्रोडक्शन को वो ले सकता है, ना कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी। किसान की अगर अपनी ज़मीन है तो वो उसका हक, उसकी ज़मीन पे उसी का हक है, ना कि कैप जो उनके सरदार होते हैं। यानी कि एक हम ड्रामा देख रहे थे, ठीक है, जिसका नाम है सिनफियाहन, वहाँ पे सरदार के पास एक ज़मीन थी, ज़मीन किसकी थी, वो उस बुज़ुर्ग की ज़मीन थी, एक बुज़ुर्ग की ज़मीन, किसान की ज़मीन थी, उसको हथिया लिया गया था, उसकी जो जो भी उसका मीन ऑफ प्रोडक्शन था उनसे छीन लिया गया था। अब वहाँ पे जितनी फसल उगती थी वो सारी सरदार के पास जाती थी, ना कि उसके पास जिसकी वो ज़मीन है। तो कहते हैं इसके खिलाफ़ भी रिवोल्ट होनी चाहिए। अब कैपिटलिज्म जो है एक स्टेप है डेवलपमेंट का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एक राइटर है हमारे पास, थियरिस्ट हैं, जिनका नाम हैबरमास, ठीक है। हैबरमास क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कैपिटलिज्म अगर ख़त्म नहीं हो रही ना, इसी में कम्युनिज्म को ऐड कर दूँ, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को ऐड किया जाए तो बैलेंस हो जाएगा।
किस तरह अगर कैपिटलिज्म में जो जागीरदार हैं, सरदार वाले असूल हैं, ठीक है, उसमें अगर आप आम बंदा ऐड हो जाए और उसमें उसी के साथ मिलके काम करे तो सब कुछ बैलेंस हो सकता है। आप इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे फोकस ना करें, हैबरमस की थ्योरी है, नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, उसकी तरफ फोकस ना करें। आप किसकी तरफ फोकस करें? लाइफ वर्ड की तरफ, ठीक है। लाइफ वर्ड ऐसी ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंसान को फैसिलिटेट किया जाए, हर तरह से उसको फैसिलिटी दी जाए, जिसमें कम्युनिज्म, जिसमें कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट ही ना हो। सही है, अब इसकी पढ़ते हैं। व्हाइल वी ऑफन थिंक ऑफ मार्क्स एज ए अपोनेंट ऑफ कैपिटलिज्म, हमने देखा है कि मार्क्सिज्म जो है वो कैपिटलिज्म जो ऑपोजिट है। मार्क्स डिड नॉट थिंक कैपिटलिज्म वॉज इन इनहेरेंटली इवल एंड बैड सिस्टम, वो कहते हैं ये बैड या इवल सिस्टम नहीं है। इंडीड ही थॉट इट वॉज अ नेसेसरी स्टेप इन इकोनॉमिक हिस्ट्री, कहते हैं ये डिवेलपमेंट का बायस है। एक कैपिटलिज्म हैज़ टू अकर एंड इट सर्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डिवेलपमेंट। इन मार्क्सिस्ट व्यू कैपिटलिज्म वुड इवेंचुअली लीड टू वर्कर्स रेवोल्यूशन। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो वर्कर सोसाइटी है, वर्किंग क्लास है, उसको मजबूर कर देती है कि वो आवाज़ उठाए उनके खिलाफ। हालांकि अपनी तरफ से तो वो ऑपरेशन डिप्रेशन का शिकार कर रहे होते हैं, ऑप्रेस्ड कर रहे होते हैं, डिप्रेस्ड कर रहे होते हैं लोगों को, लेकिन लोग ऑप्रेस्ड हो के डिप्रेस्ड हो के थक जाते हैं तो वो खुद ही उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं ये डिवेलपमेंट का बायस है, ना कि इवल सिस्टम या बैड सिस्टम है। ये रेवोल्यूशनरी आती है सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट है, क्योंकि कैपिटलिज्म को देख के ही तो लोग आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। वरना अगर वैसा ही माहौल हो तो कोई आश्चर्यचकित ही ना करे, अगर उसमें सुकून हो तो, ठीक है, वो आम वही वैसे ही उठें, खाएं, पिएं, सो जाएं, आराम से ज़िंदगी गुजारें, उसमें कोई तरक्की की चाह ही ना हो, प्रोग्रेस ही ना कर सके, वो कंट्री जो है डिवेलप ही ना हो। कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वही डिवेलपमेंट का बायस होती है। कैपिटलिज्म इज ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड दिस लीड टू मिनिमाइज ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि अब कैपिटलिज्म कहती है हमें मैक्सिमाइज चीज़ दी जाए, उनके पास मैक्सिमाइज राइट्स हो, उनके पास पावर ज़्यादा हो, डोमिनेशन उनके पास हो, हर चीज़ उनके पास हो, उनकी तरफ देख के अब जो मिनिमाइज लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनको भी आवाज़ उठाने का, लेबर्स आवाज़ उठाते हैं कि फिर हमारे हक किधर हैं, हमारे राइट्स हमें क्यों नहीं दिए जा रहे, वो भी हमें दो। तो इनके खिलाफ जब आवाज़ उठती है, इट्स मीन कि कैपिटलिज्म जो है वही सोशल सोसाइटी में एक चेंज लाती है, वही डेवलपमेंट का बायस है, क्योंकि इस वजह से रेवोल्यूशनरी आती है। पावर ऑफ क्वेश्चन एक आम आदमी के पास आ जाता है, जब वो थक जाते हैं, ओप्रेस्ड होके, डिप्रेस्ड होके, उसके पास उसकी नीड्स नहीं पूरी हो रही होती, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उनको उनकी नीड्स से भी ज़्यादा मिला होता है, तो इसको देख के उनमें जेलसी का फैक्टर पैदा होता है और लोग उनके ऑपोजिट आवाज़ उठाना शुरू हो जाते हैं। द चीपर एंड ईजियर यू कैन मेक समथिंग द मोर प्रॉफिट यू गेट द गेट टू कीप एज अ रिजल्ट द कैपिटलिस्ट आर ऑलवेज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू मेक अ मच मोर स्टफ देन वी नीड एंड हाउ टू मेक इट क्विकली ईजिली एंड चीपली। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात की जा रही है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का क्या होता है कि किस तरह ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जाए और किस तरह थोड़े वक्त में, थोड़े पैसों में और आए जल्दी से सस्ते तरीन दामों में किस तरह ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा स्टफ़ इकट्ठा किया जाए। द रिज़ल्ट इज़ दैट एलिमिनेशन ऑफ स्केर्सिटी वेयर बाई ह्यूमन बींग हैव एवरीथिंग टू नीड दे नीड बट इन मैनी मेकिंग दिस हैपन द लेबरर हैव बिकम एलिनेटेड। अब जब वो वर्किंग जब इस चीज़ कॉन्सेप्ट आता है किस तरह सस्ती दामों में अब चीपली, क्विकली, ईजिली काम किया जाए और इसमें ज़्यादा स्टॉफ इकट्ठा कर जाए, तो मशीनरी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, जिसमें जो लेबर क्लास है उसका क्या हाल होता है, उसको एलिनेट हो जाती है, उनके साथ डिह्यूमनाइज बिहेवियर उनके साथ किया जाता है एंड रिमूव फ्रॉम मीनिंगफुल रिलेशन दे हैव विद ईच अदर। ठीक है, अब उनको उनके उन रिश्तों से हटा, उन कामों से भी हटा दिया जाता है जो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी रिप्लेस से मशीनरी आ रही है एंड विद द थिंग्स दे क्रिएटेड इवेंचुअली दे विल हैव हैड इनफ वी आर नाउ सेट ऑफ नेक्स्ट
स्टेप एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द वर्कर्स। अब यही जब उनको अलग कर दिया जाता है, उनके साथ इंसानों वाला बिहेव नहीं किया जाता, उनको एलिनेट कर दिया जाता है, तब क्या होता है, वो अपने हकूक़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और इसी तरह कैपिटलिज्म टेक्नोलॉजी ही डेवलपमेंट का बाइस बनती है सोसाइटी। अब इनकी कम्युनिस्टिक यूटोपिया के बारे में बात की जाए तो मूविंग थ्रू अ टाइम ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप वी अल्टीमेटली अराइव एट द कम्युनिस्ट यूटोपिया। इन यूटोपिया बिकॉज द कैपिटलिस्ट हैव फिगर आउट हाउ टू सेटिस्फाई आवर नीड यूजिंग अ मिनिमम सोर्स ऑफ एंड आवर एफर्ट वी कैन स्पेंड रिलेटिवली लिटल टाइम टेंडिंग टू देम। वी हैव द लग्जरी ऑफ डूइंग व्हाट वी आर रियली लव, वेदर इट्स फिशिंग, मेकिंग म्यूजिक, writing poetry, studying the universe or making people laugh. The fundamental picture here is that human beings are essentially social animal. We live in community and we use the community to figure out how to solve the problem. But structures need to solve on one set of problem ultimately cause another set of problem until we finally figure out how to live together problem free. यहाँ पे बात की जाती है यूटोपिया होता है इमेजिनेटिव लैंड, यहाँ पे सुकून होता है, यहाँ पे एक रंगीन दुनिया होती है जहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होती। कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसने अपने यूटोपिया लैंड क्रिएट की हुई है, ठीक है, वो क्या करता है, उसने अपने आप को सेटिस्फाई किया हुआ है कम टाइम में, उसको जो है उसको लग्जरीज मिल रही हैं, फिर उसके बाद उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बहुत कम टाइम लगता है, उनको रिसोर्सेज इतने यूज़ नहीं करने पड़ते और उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है जिसकी उनको ज़रूरत होती है। इसके अलावा उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि मेक म्यूज़िक को बनाना, पोइट्री लिखना, स्टडी करना, फिर उसके बाद लोगों को हंसाना, ये एलीट कैपिटलिज्म का काम है। किस तरह कम्युनिज्म बेचारे तो डिप्रेस्ड ही बड़ी थी, वो लोगों की इस तरह हंसा सकती थी, इसी वजह से ये कैपिटलिस्ट की हॉबीज थी। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक फंडामेंटल पिक्चर क्रिएट कर दी गई कि इंसान एक सोशल एनिमल है, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, बेशक आप कैपिटलिस्ट है या दूसरी वर्किंग क्लास है लेकिन हम एक कम्युनिटी हैं, हम कम्युनिटी में रह रहे हैं और हमें पता होना चाहिए किस तरह इस कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। बट द स्ट्रक्चर नीडेड टू सॉल्व वन सेट ऑफ प्रॉब्लम अल्टीमेटली कॉज अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम। बट ये दुनिया ऐसी है जो यूटोपिया लैंड है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, उसमें अगर हम घुस जाएं और एक प्रॉब्लम अपनी जो उसके राइट्स होते हैं वही छीनने शुरू हो जाएं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हो जाएं, तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वो एक नए मसले को पैदा कर देती है। एक मसले को ख़त्म करना मीन दूसरे मसले को क्रिएट कर देना। वी फाइनली फिगर आउट हाउ टू लिव टूगेदर प्रॉब्लम फ्री, और अभी तक हम ये तक नहीं पता कर सके किस तरह हम प्रॉब्लम फ्री लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कम्युनिस्ट जो कैपिटलिज्म है उन कैपिटलिस्ट सोसाइटी की है, तो कम्युनिस्टिक यूटोपिया अभी तक क्रिएट ही नहीं हो सका। उन यूटोपिया क्या होते हैं, प्रॉब्लम फ्री लाइफ जिसमें कोई मसला ना हो, एक इमेजिनेटिव लैंड होती है जिसमें सुकून हो, हर चीज़ जो आप डिज़ायर है आपकी पास वो फिश पूरी हो जाए, फुलफिल की जाए। तो ये किसके पास सिर्फ पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पास, ठीक है। सो यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी, जिसमें मैंने इनका डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी क्या होता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। Thank you so much. Dua mein yaad rakhiye and not forget to subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much. Allah Hafiz.